झारखंड के सियासी गलियारों में इन दिनों कोहराम सा मचा हुआ है। बात चाहे झामुमो के करें या कांग्रेस की करें, इन तमाम दलों में कहीं ना कहीं अंदरखाने सब कुछ सामान्य नहीं दिखता है। कल ही जो कांग्रेस के विधायक हैं इरफान अंसारी साहब ने यह कहकर सनसनी फैला दी कि उनके साथ 9 की संख्या में विधायक हैं और उन्होंने आलाकमान से इसके लिए समय की मांग की है। कांग्रेस की बात छोड़ भी दें, अगर सत्ताधारी झामुमो की करें जो गठबंधन दल की अगुवाई कर रहा है, उसके अंदर भी सब कुछ सामान नहीं है। और अब तक जो सूचना मिली है उसके मुताबिक ये है कि लोबिन हेमरम जो बगावती तेवर अपना रखे हैं, वो संभवतः पहली बार ऐसा होगा कि राजधानी रांची में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करेंगे और अपना अगला सियासी कदम क्या होगा उसका वो उल्लेख करेंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी। ये अगर मैं कहता हूं कि सब कुछ सामान्य नहीं है, सब कुछ ठीक नहीं है, इसमें तो आपत्ति नहीं होनी चाहिए। देखिए, मेरे नजर में सब कुछ सामान्य है। एक दो विधायकों की जो भावनाएं हैं, जिनसे हम भी अवगत हैं, आप लोग भी अवगत हैं, उसे दूर कर लिया जाएगा। वो क्राइसिस को हम लोग क्राइसिस नहीं मानते हैं, क्योंकि वो दोनों का स्टेटमेंट है कि पार्टी का जो भी आदेश होगा उसको मानेंगे। माननीय लोबिन जी का स्टेटमेंट भी मैं कल सुन रहा था, उन्होंने राज्यसभा चुनाव का हवाला देते हुए कहा कि जो भी पार्टी का आदेश होगा उसको मानूंगा। तो ठीक है, किसी मुद्दे पर अगर मतभिन्नता है, लेकिन वो खांटी शुद्ध रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा के ग्राउंड जो मैंने जमीनी कार्यकर्ता होता है वहां से उठ के वो इतने बड़े बने हैं। वो लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा ने बहुत कुछ दिया है उन लोगों को, और उन लोगों का भी बहुत कुछ मिला है झारखंड मुक्ति मोर्चा को। गुरुजी के संघर्ष के साथ ही रहे हैं। इतना आसानी से झारखंड मुक्ति मोर्चा से मोह भंग नहीं होगा उनका। ठीक है, हम लोग भी इस बात को लेकर आश्चर्य करते हैं कि हाल के वर्षों में देखें तो झामुमो के अंदर इस तरह से बयानबाजी कभी नहीं चली, और प्रेस के सामने आकर आरोप प्रत्यारोप करना, ये कहीं कहीं बताता है कि क्राइसिस मैनेजमेंट में थोड़ी गड़बड़ी जरूर हुई है, जिसके वजह से ये बातें पब्लिक डोमेन में आ गई है। देखिए, आने वाले समय का इंतजार कीजिए। हम लोगों को अपने नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। माननीय हेमंत सोरेन जी सभी को एक सूत्र में बांध कर चलने की क्षमता रखते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में क्या चल रहा है, आप उसको कुछ दिनों के लिए छोड़ दीजिए, आने वाले दिनों में देखिएगा क्या होता है। मुझे पूरा उम्मीद है मुख्य धारा में दोनों विधायक हैं और रहेंगे। किसी बिंदु पर मतभिन्नता हो सकती है, उससे ऐसा थोड़े होगा कि जिसे सींच कर जिस पार्टी को इतना आगे बढ़ाया, जिस पार्टी ने इतना सम्मान दिया, गुरु जी का सरपरस्ती है, मेंटर तो हम लोग सबके वही हैं, अध्यक्ष हैं, पार्टी उन्होंने बनाया है, कैसे ये लोग अलग हो जाएंगे। आपको याद होगा मनोज जी कि जिस दिन स्टीफन दा प्रेस वार्ता कर रहे थे, उसी क्षण गुरुजी का फोन भी उनके पास आता है और ये बोलते हैं कि आखिर क्या हो रहा है। तो स्टीफन दा वो क्लारिफिकेशन देते हैं कि प्रेस को हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो गुरुजी तक ये बातें हैं और गुरुजी भी कहीं ना कहीं गंभीर है इस विषय को लेकर। देखिए, मसला तो गंभीर है। जिन मुद्दों की चर्चा वो लोग करते हैं वो झारखंड के लिए गंभीर मसला है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी सदन में बोला कि हम बहुत सोच समझ कर इस पर फैसला लेंगे, फुल प्रूफ जो कहीं चैलेंजेबल नहीं होगा। ऐसा नहीं कि कोई नीति को लागू किए उस पर कोर्ट स्थगित कर स्थगन ला दे, ऐसी नौबत नहीं आए, और पूरी तरह से झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप फैसला लेंगे। सभी को विश्वास है, तमाम झारखंडियों को विश्वास है कि हेमंत सोरेन जी वैसा, तो इसमें बहुत मुझे लगता है हड़बड़ाने की आवश्यकता नहीं है। तमाम लोगों को, हमारे दो विधायक किसी कारण से दिग्भ्रमित हैं, मैं दिग्भ्रमित बोल रहा हूँ, इसलिए दिग्भ्रमित बोल रहा हूँ कि जो माननीय मुख्यमंत्री ने जो अपना संदेश दिया, जो अपना स्टेटमेंट दिया सदन के अंदर, उसको समझने की जरूरत है इन लोगों को। कहीं ना कहीं भूल हो रही है इन दोनों विधायकों से। पुराने लोग क्या समझ नहीं पा रहे पार्टी के संदेश को? नहीं, मैं फिर बता रहा हूँ, दिग्भ्रमित हो रहे हैं। इसके पीछे कुछ शक्तियां हैं, विरोधियों की साजिश है, और निश्चित रूप से इसका आभास होगा माननीय दोनों विधायकों को। और दोनों विधायक मुझे लगता है कि पार्टी की जो सोच है, मुख्यमंत्री की जो सोच है, उससे सहमत होंगे। समय का इंतजार। दोनों विधायक में लोबिंदा और सीता सोरेन के आप जिक्र कर रहे हैं? जी, दोनों विधायक इसलिए बोला कि इन दोनों विधायकों का कुछ स्टेटमेंट मीडिया के माध्यम से लोगों तक पहुंचा है, कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित करने वाली बात है लगता है देखने से, कि ये पार्टी फोरम से या पार्टी लाइन से अलग जा रहे हैं, लेकिन अंततः विरोधियों की जो साजिश है नाकाम होगी। ये दोनों विधायक
हम मान के चलते हैं कि पार्टी के अंग हैं और रहेंगे। जैसे सीता सोरेन पर एक तरह से शिकंजा, एक तरफ से उनकी घेरेबंदी शुरू हुई, स्टीफन दा हो, ये तमाम जो लोगों ने कहीं उनको कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की, उसके बाद आपने देखा होगा कि उनकी जो बेटियां हैं जयश्री और राजश्री ने मोर्चा संभाला और दुर्गा सोरेन सेना का केंद्रीय कमेटी के करीबन एक साल के अंतराल के दौरान एक पार्टी का विस्तार किया। ये बताने की कोशिश है कि वो अकेली नहीं है, उनकी बेटियां भी खड़ी हैं और आने वाले दिनों में अगर वो जरूरत पड़ेगी तो राजनीतिक तौर पर उनके साथ खड़ी नजर आएंगी। देखिए, पहले मैं बताऊं कि वो उन्होंने जिस संगठन का निर्माण किया वो कोई पार्टी नहीं है। उन्होंने स्पष्ट रूप से बोला कि ये एक सामाजिक संगठन है, उसकी कोई राजनीतिक ख्वाहिश नहीं है। उन्होंने स्पष्ट किया, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो जी, तो अगर सामाजिक संगठन या सामाजिक काम को करना है उस संगठन के बैनर तले, ठीक है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, पार्टी विरोधी काम नहीं होना चाहिए। और मैं एक बार फिर याद दिला दूं, कोई भी हमारे विधायक हैं बहुत ही समझदार हैं, वो ये बात भली भांति जानते हैं। पूर्व का इतिहास उठाकर देख लीजिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा के मुख्य धारा से अलग होकर कोई भी अपना वजूद नहीं बचा पाया है। एकाध उदाहरण को छोड़ दें तो कई एक सामने दृष्टांत हैं। ये चेतावनी है पार्टी की तरफ से? नहीं, चेतावनी नहीं, मैं ये बता रहा हूं कि अगर कोई वैसी गलती कर बैठेगा, गलती विरोधी, बिल्कुल वो अपनी राजनीतिक जो उनका कैरियर है उसको दांव पर कैसे कोई लगाएगा। झारखंड की जनता भी उनको तीरधनुष के सिंबल पर ही देखना चाहती है। कुछ लोगों ने सिंबल बदल कर देखा है, पार्टी बदल कर देखा है, क्या असर हुआ है। तो हम नहीं चाहते हैं हमारे कोई भी सम्मानित विधायक उस मुकाम, उस स्टेज में पहुंचे। उनको समझने की आवश्यकता है कि पार्टी की जो नीति, जो नियत है, और कहीं कोई डिफरेंस है तो मिल बैठ कर बंद कमरे में बात हो जाएगी, लेकिन जो गलतियां हुई हैं निश्चित रूप से उनको भी आभास होगा। आने वाले समय में वो अपने गलती का आभास करके पार्टी के साथ मुख्य धारा में आएंगे निश्चित रूप से। पार्टी की तरफ से कोई गलती नहीं हुई, इन दो विधायकों की तरफ से गलतियां हुई हैं? नहीं, मैं गलतियां इसलिए बोल रहा हूं कि माननीय मुख्यमंत्री ने जब स्पष्ट तौर पर उन मुद्दों पर अपनी बात रखी तो उसमें डिफरेंस होने का कोई बात नहीं है। ये जो आप कहते हैं ना कि सदन के अंदर मुख्यमंत्री ने खतियान को लेकर दो बार भाषण दिया और दोनों बार में उन्होंने अपना मंतव्य जाहिर कर दिया, स्पष्टता यही पर नहीं है। स्पष्टता ये नहीं है कि मुख्यमंत्री बोलते हैं अगर हम 1932 को इम्प्लीमेंट करते हैं तो कोर्ट में चैलेंज हो जाएगा। लोबिंदा और तमाम सरीखे नेता ये कहते हैं कि आपका काम है, आप बना दीजिए, अगर कोर्ट में चैलेंज होगा आप तो बरी हो जाएंगे, आप अपना हक अदा कीजिए ना। आप क्यों उस बात को लेकर पड़े हैं कि कोर्ट में क्या होगा? देखिए, यहाँ मैं लोबिंदा के बातों से ना सहमत नहीं हूँ। आप पुराने विधायक हैं और जो भी लोग हमारे पार्टी के हैं पुराने लोग, अरे एक बार मौका तो दीजिए, आप वो फैसला आने तो दीजिए, आप एतबार तो कीजिए अपने नेतृत्व पर, अपने नेता पर इतना अविश्वास क्यों? आज अभी तक तो जो वादे करके हम आए थे उन सभी वादों को धरातल पर उतारने का काम किया है मुख्यमंत्री ने। हम कैसे अविश्वास करें कि जो वादे हम करके आए थे कि झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप हम स्थानीयता नीति लाएंगे, एक बार वेट तो कीजिए, धैर्य रखिए, जब वैसा फैसला आएगा, वैसी नीति बनेगी, अगर वो आपको लगेगा कि झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप नहीं है, निश्चित तौर पर आप अपनी बातों को मीडिया के सामने भी रखिए। अगर इसी लाइन में दोनों विधायक अगर बढ़ते रहें तो क्या ये माने कि आने वाले दिनों में पार्टी अनुशासनात्मक कार्रवाई या डिसिप्लिनरी रिएक्शन लेगी? देखिए, पार्टी का तो संविधान है, संविधान में सभी बातों का जिक्र है। पार्टी को अगर लगेगा कि कोई व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, एक छोटा कार्यकर्ता हमारे ऐसा से लेकर विधायक या सांसद हों, अगर पार्टी लाइन के विरोध में जाते रहेंगे और जिससे लगेगा कि पार्टी में अनुशासनहीनता हो रही है और पार्टी को इससे क्षति होगी, निश्चित तौर पर तो पार्टी अध्यक्ष या कार्य समिति, उसमें माननीय हेमंत सोरेन जी कार्यकारी अध्यक्ष ऑथोराइज्ड हैं, वो कर सकते हैं और करनी भी चाहिए, लेकिन वो सीमा मुझे लगता है अभी नहीं पार हुआ है। अभी भी माननीय लोबिंदा, चाहे हमारी विधायिका, उनके मुंह से कोई बहुत बगावती तेवर की बात सामने नहीं आती है। वो लोग पार्टी नेतृत्व पर आस्था व्यक्त करते हैं। आपने देखा होगा, माननीय लोबिन जी ने भी बोला है कि हम पार्टी के आदेश का पालन करेंगे। विधायिका पुत्री का भी जो था उसमें भी माननीय मुख्यमंत्री की तारीफ की गई। तो अभी मुझे लगता है वो स्थिति नहीं आई है, लेकिन उनको अपने स्टैंड पर पुनर्विचार करते हुए पार्टी लाइन में आना पड़ेगा और आना चाहिए। तो ये थे झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडे जी, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि क्राइसिस मैनेजमेंट के तहत तमाम चीज़ों को कंट्रोल में करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन ये इत्तेफाक की बात कहें कि ये
सेफ्टी के अंदर की बात पब्लिक डोमेन में आ जाती है, यही वजह है कि राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन जाता है। और हम लोगों ने भी अपने रिपोर्टिंग करियर में देखा है कि इस तरह से झामुमो के अंदर पब्लिक डोमेन में आकर आरोप प्रत्यारोप करने का कोई रिवाज, कोई परंपरा नहीं रही है। हो सकता है कि हालात और जो स्थितियाँ बदली हैं जिसके वजह से इस तरह की बातें आ रही हैं। उम्मीद की जानी चाहिए कि पार्टी के अंदर जो भी कमियाँ हैं, जो भी आरोप प्रत्यारोप का दौर है वो समाप्त होगा और झारखंड विकास की ओर अग्रसर होगा। कैमरा पर्सन विकास के साथ रांची से न्यूज़ बाइस्कोप के लिए शहनवाज।